दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मीसा भारती ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी नेता जेल में होंगे। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी मीसा भारती ने मनेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर जनता ने मौका दिया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी से करा बीजेपी के सभी नेता जेल के अंदर होंगे। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की पार्टी को लगा बड़ा झटका। जेडीयू के नेता पिंकी भारती ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जेडीयू की एक महिला नेता पिंकी भारती ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पिंकी भारती नवादा से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं। वे जेडीयू में प्रदेश सचिव के पद पर थीं। उन्होंने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपना इस्तीफा भेज दिया। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में जनता को सौंपा अपना पर्सनल काम। बोले ये हर हाल में करना है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक बड़ी रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को अपना एक काम सौंपा है। उन्होंने कहा कि मेरा एक पर्सनल काम है, चुनावी काम नहीं है, क्या आप करना चाहोगे। उन्होंने कहा कि नवरात्रि चल रही है, रामनवमी आने वाली है, गांव गांव जाकर के सभी देवी देवताओं के सामने मेरी ओर से माथा नवाना है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरा काम यह है कि घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को बताना है कि मोदी ऋषिकेश में आए थे और मोदी ने आपको प्रणाम भेजा है, राम राम भेजा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब घर घर जाकर लोगों को मेरा राम राम कहोगे तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए आपकी सेवा करने का माध्यम बनेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उनका समर्थन भी मांगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग हो गई तेज। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हो गए घायल। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के निकट मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा की गई पानी की बौछार से बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घायल हो गए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी नेताओं ने बताया कि वीरेंद्र सचदेवा को कंधे पर चोट लगने और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने की मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। तो आम आदमी पार्टी बोली, बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार से भरोसा उठ गया। दरअसल बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल के पास में मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्हें तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष के साथ किसी प्रकार की कोई क्रूरता हुई तो यह बेहद निंदनीय है। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि न केवल दिल्ली के नागरिकों का बल्कि पुलिस का भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर से पूरा भरोसा उठ गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस होती तो कभी लागू नहीं होता वन रैंक वन पेंशन। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश में चुनावी सभा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार के दौरान दुनिया में भारत के बढ़ते कद का जिक्र करा, पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत में कमजोर सरकार थी तब आतंकवाद ने पैर पसारे, दूसरे देशों ने हम पर हमला किया, आज भारत में मजबूत सरकार है इसीलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो विपक्षी दल कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बचाओ, इसीलिए कितनी भी मुसीबत झेलनी पड़े बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, यह आपका आशीर्वाद ही है जो मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। अगली बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले पीओके हमारा था, है और रहेगा, पीएम मोदी के रहते एक इंच भी नहीं ले सकता चीन। दरअसल देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को लेकर कहा कि भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पीएम मोदी के सत्ता में रहते हुए देश की जमीन पर एक इंच भी कब्जा नहीं कर सकता। तो वहीं पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, पीओके हमारा था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि आतंकवाद को काबू कर पाने में वो असमर्थ है तो भारत सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद अब अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार करना चाहती है ईडी। कोर्ट का किया रुख, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करना चाहती है। मामले को लेकर ईडी ने दिल्ली कोर्ट का रुख किया है और आम आदमी पार्टी विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की है। इसको लेकर अदालत ने मामले को अब 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है, क्योंकि ईडी ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है। बड़ी बड़ी खबर, ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने मुसलमानों को किया संबोधित। बोली, दंगा भड़काने की कोशिश होगी, जाल में मत फंसना। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने मुसलमानों से एकजुटता की अपील की और दंगा भड़काने वाले तत्वों से सावधान रहने को कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ लोग दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे, उनके जाल में मत फंसना। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिमों से कहा कि अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यही नहीं, ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर भी नागरिकता कानून एनआरसी और समान नागरिक संहिता का डर मुस्लिमों को दिखाया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इन तीनों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत के सेक्युलरिज्म के खिलाफ हैं। अगली बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी ने भी मुसलमानों को किया संबोधित। बोले, जो भी दंगा भड़काने की कोशिश करेगा उसका जनाजा उठा दिया जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ममता बनर्जी के साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो भी दंगा भड़काने की कोशिश करेगा उसका जनाजा उठा दिया जाएगा। उनके इस बयान को लेकर विवाद भी हो सकता है। इससे पहले ममता बनर्जी ने हिंदुओं से कार्यक्रम में अपील की है कि नवरात्रि आ रही है और मैं अपील करती हूं कि रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, इस दौरान किसी भी तरीके का उपद्रव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी भगवान राम का सम्मान करती हूं, लेकिन रामनवमी पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून एनआरसी और समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, विदेशी मीडिया से बोले पीएम मोदी, सदियों के बलिदान का फल है राम मंदिर का निर्माण। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर जारी प्रचार के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पत्रिका को इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर बात करते हुए कहा कि भगवान राम के जीवन ने हमारी सभ्यता में विचारों और मूल्यों की रूपरेखा तय की है। उनका नाम देश के कोने कोने में गूंजता है, इसीलिए 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान के दौरान मैंने उन जगहों की तीर्थ यात्रा की जहां पर राम के पद चिन्ह हैं। इस यात्रा के दौरान मैं देश के विभिन्न कोनों तक पहुंचा, हमने देखा कि श्री राम हम सभी के भीतर पूज्य स्थान रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर सदियों की दृढ़ता और बलिदान की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सदियों के बलिदान का फल है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद संकट में है आम आदमी पार्टी, गायब हैं 10 में से 7 सांसद। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी संकट में घिरती नजर आ रही है। उसके करीब 7 सांसद दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान गायब रहे। 10 में से सिर्फ 3 सांसद पार्टी के लिए आवाज उठाते दिख रहे हैं। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू ने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया था। हाल ही में जमानत पर संजय सिंह से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस विषय पर चर्चा करेगी। अगली बड़ी खबर, संकट में घिरे अनिल अंबानी को अब सुप्रीम कोर्ट से लगा करारा झटका, चुकाने होंगे 8,000 करोड़ रुपए। दरअसल अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बुधवार को उस समय करारा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पुराने अपने ही फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उनकी सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई ओरिजिनल ऑर्बिटल अवार्ड की पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि ये राशि पहले 2,782 करोड़ रुपए थी, जो ब्याज के साथ बढ़कर अब 8,000 करोड़ रुपए हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने बढ़ा दिया सस्पेंस। बोले, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, गांधी परिवार का एक सदस्य यूपी से लड़ेगा चुनाव। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने साफ संकेत दिए हैं कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा में से कोई एक उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। एंटनी का बयान ऐसे समय में आया है जब अभी तक कांग्रेस ने यूपी की 2 अहम सीटों अमेठी और रायबरेली को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एके एंटनी ने साफ कहा कि आप अमेठी और रायबरेली को लेकर फैसले का इंतजार करें, अटकलें ना लगाएं। गांधी परिवार का एक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगा।
अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा कि अपराध से अर्जित की गई कमाई और संपत्ति कुर्की का आदेश रहेगा बरकरार। दरअसल कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे संबंधित कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के आदेश को बुधवार को बरकरार रखा है। इस फैसले से ईडी के संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से की बड़ी अपील। बोली, इस बात का ध्यान रखें कि किसी दूसरी पार्टी को ना जाए वोट। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम विपक्षी गठबंधन इंडिया के संबंध में बाद में निर्णय लेंगे, लेकिन बंगाल में इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक भी वोट किसी दूसरी पार्टी को ना जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बंगाल के सभी वोट टीएमसी के खाते में ही जाएं। अगली बड़ी खबर, 25,000 नौकरियां और 400 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। अरुणाचल प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी कर दिया घोषणा पत्र। दरअसल बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें युवाओं के लिए 25,000 नौकरियां, लड़कियों, महिलाओं, किसानों के लिए नई योजनाएं और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास का वादा किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी संकल्प पत्र में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो पार्टी अगले 5 वर्षों के भीतर प्रति व्यक्ति को दोगुना कर देगी। भगवा पार्टी ने लड़कियों और महिलाओं के लिए स्नातक या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाली प्रत्येक लड़की को 50,000 रुपए की संचित वित्तीय सहायता प्रदान करने और पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मात्र 400 रुपए में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दुलारी कन्या योजना को बहाल करने का भरोसा दिया है। अगली बड़ी खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, झूठ का नैरेटिव गढ़ रहा इंडिया गठबंधन। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी के साथ में सहयोगी दलों ने मिलकर जो संगठन बनाया है वो पूरा संगठन असत्य को स्थापित करने के लिए देश में झूठ का नैरेटिव गढ़ रहा है। वो सभी एक उद्देश्य के साथ में खड़े हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी को हटाना है और मोदी जी को हराना है। उन्होंने कहा कि ये संगठन पूरे तरीके से नियोजित होकर चुनाव लड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, संजय निषाद को बीजेपी ने दे दिया बड़ा तोहफा। बढ़ गया कद, मानी गई उनकी बड़ी डिमांड। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को बड़ा तोहफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निषाद पार्टी के विधायक को लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया है। बीजेपी के फैसले से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में संजय निषाद का कद बढ़ गया है। संजय निषाद योगी सरकार में मत्स्य विभाग के मुखिया हैं और वो बीते कई दिनों से ये मांग कर रहे थे। आड़ी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को लगा बड़ा झटका। मलूक नागर ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी की बिजनौर सीट से सांसद मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी। मलूक नागर ने कहा कि आज मुझे मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम देश और देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। आड़ी बड़ी खबर, मायावती को झटका देकर आरएलडी में शामिल हो गए मलूक नागर। दरअसल यूपी की बिजनौर सीट से लोकसभा सांसद मलूक नागर ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया, जिसके कुछ ही घंटों के बाद वो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। दिल्ली में जयंत चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर मलूक नागर ने कहा कि रालोद हमेशा से ही गरीबों, दलितों और मजलूमों की लड़ाई लड़ती आई है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, उठाया बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, हम तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, हम बेरोजगारी महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने एक बार भी नहीं बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे, इस बारे में बीजेपी ने कुछ भी नहीं बोला है। अगली बड़ी खबर, ऋषिकेश की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके निमंत्रण दिया, फिर भी कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। दरअसल उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उन्हें निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस ने प्रण लिया है और सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वो हिंदू धर्म में जो शक्ति है वे उसका विनाश करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।